लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज घनसौली में क्रीडेंस केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना डॉक्टर कुमार राजीव, डॉक्टर अरुण यादव एवं दिनेश मिश्रा द्वारा की गई है। आज इसके उद्घाटन अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर माथाड़ी नेता शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटिल समेत तमाम नेता मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने क्रीडेंस केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि यहां से मरीजों को उत्तम और रियायती सेवाएं मिलती रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। लोक नेता गणेश नाइक ने आज घनसौली सेक्टर 11 में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रीडेंस केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। 41 बेड के इस हॉस्पिटल की स्थापना डॉक्टर कुमार राजीव, डॉक्टर अरुण यादव और दिनेश मिश्रा समेत कई डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई है। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत तमाम अतिथि मौजूद थे। यहां एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने यहां की चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। वहीं लोक नेता गणेश नाइक ने क्रीडेंस हॉस्पिटल की एडवांस चिकित्सा सुविधाओं और संचालकों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि क्रीडेंस के जरिए घनसौली परिसर के जरूरतमंद मरीजों को उत्तम और रियायती इलाज लेने में मदद मिलेगी। बनाया लेकिन उसका विकास तो नहीं, हॉस्पिटल बनाया ना कॉरपोरेशन में कोई अच्छा लोगों को फायदेमंद हॉस्पिटल बनाया। आज क्रीडेंस के माध्यम से एक डॉक्टर लोगों की टीम है, डॉक्टर यादव और उनके सब साथी लोगों ने बहुत मेहनत से ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है। जब कभी कॉरपोरेशन की सेवा मिलेगी तब तक एक घनसौली के लोगों को एक अच्छी मेडिकल सुविधा की जरूरत थी। ये क्रीडेंस हॉस्पिटल के माध्यम से ये जरूरत आज से पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ये टीम को मन से शुभकामना देता हूँ। शहर की जितनी आबादी बढ़ती है, जितने शहर बढ़ते हैं तो उतना सुविधा देना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब भी अपने लोग कोई इस हॉस्पिटल के इसमें उतरते हैं तो उसको शुभकामना देना हमारा कर्तव्य रहता है। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि घनसौली की जितना एरिया बढ़ते गया तो उधर घनसौली के एरिया बढ़ने के बाद वहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी। हॉस्पिटल की सुविधा होना बहुत ज़रूरी था और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे उन्होंने बनाया है। उसमें हार्ट से लेके न्यूरो से लेके हर जगह का ऑपरेशन यहाँ ऑपरेट होने वाला है। और वहाँ का अगर माहौल देखेंगे, जैसे उन्होंने बनाया, उसको देखने के बाद, पेशेंट इधर आने के बाद जब भी माहौल अच्छा रहता है, सुविधा अच्छा रहती है, तो पेशेंट अपने आप 50% दुरुस्त होता है। तो मैं उसके लिए उनको शुभकामना देता हूँ और अच्छी सेवा और यहाँ के आने वाला हर पेशेंट तंदुरुस्त होके अच्छा होके फिर इनके इससे बाहर निकलेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। बता दें कि नवीनबई के घनसौली में प्रारंभ हुआ 41 बेड वाला क्रीडेंस हॉस्पिटल 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 12 बेड के आईसीयू से सुसज्ज है। प्राइमरी प्रिवेंशन से लेकर एडवांस ट्रीटमेंट तक की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। डायरेक्टर डॉक्टर कुमार राजीव ने बताया कि यहाँ लेटेस्ट मशीनरी के साथ
डायलिसिस और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है। गायनो और पेडियाट्रिक चिकित्सा के लिए यहाँ 3 बेड का NICU है। इसके साथ ही यहाँ कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम कैथ लैब स्थापित करने की तैयारी में हैं। ये हॉस्पिटल 41-bedded हॉस्पिटल है। इट्स ए सुपर स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन से लेके हायर टेक्नोलॉजी यूज करके एडवांस ट्रीटमेंट, टर्शियरी केयर ट्रीटमेंट, सारे चीज़ों का फैसिलिटी हमने रखा है। यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलर OTs 2 हैं, 12 बेड का ICU है, विच इज़ ऑल इक्विप्ड विद द ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट मशीनरीज, डायलिसिस, वेंटिलेटर, ये सारी सुविधाएं ICU में मौजूद हैं। हमारे यहाँ 3 बेड का NICU भी है। वी हैव प्लान टू हैव ए वेल एडवांस्ड गायनेक डिपार्टमेंट एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी से रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं। वी हैव एडवांस्ड इको मशीन्स, स्ट्रेस टेस्ट। वेरी सून वी आर प्लानिंग टू हैव ए कैथ लैब ऑल्सो, विच इज़ गोइंग टू गिव वर्ल्ड क्लास कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट्स इन दिस अंडर वन रूफ। इसके अलावा हमारे यहाँ एडवांस CT मशीन्स हमने डाले हैं, 32 स्लाइस CT, जो कि हमारे प्रीमाइसेस में ही है, जो कि इन हाउस लोगों के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है CT स्कैन की फैसिलिटीज़ जो हम लोग देने वाले हैं। वी हैव ऑल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ। वी होप्स दैट द पीपल इन द घनसोली एंड द नवी मुंबई विल गेट इमीडिएट एक्सेस ऑन इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर देयर सफरिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।